हर इंसान ने सच का अपना नज़रिया बनाया हुआ है हर इंसान की सच्चाई अपनी है हर इंसान ने अपनी अपनी सच्चाई को मजबूती से पकड़ रखा है इसकी वजह से इंसान पूरी यूनिवर्स को नहीं देख पा रहा यह अप्रोच ही फैगमेंटेड है सच वो होता है जिसको पकड़ा नहीं जाता सच को पकड़कर कैद करने की ज़रूरत ही नहीं होती हमने अपने अपने सच पकड़ रखे हैं और उन सबको कैद कर रखा है जिस इंसान की अप्रोच होलिस्टिक होती है वो कभी भी सच को पकड़ नहीं सकता जिसकी अप्रोच होलिस्टिक होती है पूरी यूनिवर्स और क्रिएशन में वो होता है ढूमी ने कुछ पकड़ नहीं रखा किसी सच को पकड़ नहीं रखा इसलिए पूरी यूनिवर्स में रूमी नज़र आता है जहाँ देखो वो रक्स कर रहा है क्यों क्योंकि सारी यूनिवर्स रूमी के अंदर एग्जिस्ट करती है रूमी की अप्रोच होलिस्टिक है इसलिए वो कायनात में है हमारी सोच फ्रेगमेंटेड है इसलिए हम सब ने अपने अपने सच को क़ैद कर रखा है सवाल ये है कि क्यों हम सारी यूनिवर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे सारी क्रिएशन को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हम सारी कायनात में रूमी की तरह रक्स इसलिए नहीं कर पा रहे कि हम सबका अपना अपना सच है जब हर इंसान का अपना अपना सच होगा तो वो कभी भी वननेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता जिसकी अप्रोच कायनाती या होलिस्टिक होगी वो सारी कायनात को एक्सपीरियंस कर सकता है यहाँ जिसको देखो मोहब्बत की बातें कर रहा है हमदर्दी की बातें कर रहा है कंपैशन की बातें कर रहा है ह्यूमैनिटी की बातें कर रहा है लेकिन कोई भी लव कम्पैशन और ह्यूमैनिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा वजह क्या है हर किसी का अपना सच है और वो अपने अपने सच से कायनात को देख रहे हैं जिसकी वजह से हमारी मोहब्बत हमदर्दी और इंसानियत भी फेक और फ्रॉड दिखाई देती है मोहब्बत हमदर्दी और इंसानियत को रियल में एक्सपीरियंस करना है तो सबसे पहले इस सच पर सवाल उठाएं जिसको आपने पकड़ रखा है वरना सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा जब इंसान कहता है कि मैं ही सच हूं तो इसका मतलब है इसके अंदर डर है झूठ का डर अगर वो सच्चा है और ये दावा कर रहा है कि वो सच्चा है तो उसके अंदर झूठ का भी खौफ होगा अगर आप कहते हो मैं लाइट हूं तो आपको डार्कनेस का भी डर होगा रूमी ये नहीं कहता कि मैं सच्चा हूँ कैनात हूँ पूरी क्रिएशन में महवे रखसा हूँ रूमी को खुद को सच्चा कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रूमी ने किसी सच और झूठ को पकड़ ही नहीं रखा इसलिए वो सच और झूठ दोनों से बियॉन्ड है और सारी कायनात में महव रखसा है रूमी के लिए लाइट और डार्कनेस दोनों एक है क्योंकि दोनों ही दोनों ही उसी में है हमारे लिए रोशनी कुछ और है और अंधेरा कुछ और है इस वजह से हम वननेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते रूमी के लिए जिंदगी और मौत एक है सच और झूठ एक है अच्छा बुरा एक है इसलिए वो वननेस को एक्सपीरियंस कर पाता है जिंदगी जैसी है वैसी ही उसमें वैसी ही है उसमें कुछ पकड़ना छोड़ना होता ही नहीं है एक नॉन स्टॉप बहाव है नॉन स्टॉप फ्लो है जिंदगी का जिंदगी एक वेव की तरह है जो हमेशा से बह रही है बह रही थी और हमेशा बहती चली जाएगी और वही वेव जिंदगी है वही मैं हूं वही आप हैं जिंदगी की तीन लेयर्स हैं दुनिया का हर इंसान इन तीनों लेयर्स में अटका पड़ा है तीनों लेयर्स को एक साथ कभी नहीं देखते हर लेयर को अलग अलग करके देखते हैं एक लेयर है हमारी ये बॉडी इस बॉडी को इंसान इग्नोर नहीं कर सकता दिस इज द रियलिटी दिस बॉडी इज द रियलिटी इस बॉडी में क्या है डिजायर्स हैं सेंसेज हैं नीड्स हैं ये बॉडी भी एक सच है इसका इनकार नहीं किया जा सकता नो वन कैन इग्नोर दिस बॉडी बॉडी को माइनस कर दिया जाए तो कहीं कुछ नहीं है मेमोरी यहीं पे है सारे थॉट्स यहीं पर हैं सारे ख्याल यहीं पे हैं ब्रेन से हम सोचते हैं सेंसेस से हम लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं इसको झुटलाया नहीं जा सकता इस बॉडी के बग़ैर कहाँ है खुदा कहाँ है भगवान कहाँ है राम कहाँ है रहीम कहाँ है क्रिएशन कहाँ है फेत कहाँ है रिलीजन ये बॉडी ना हो तो कहाँ है कंसेप्ट ऑफ़ वननेस कन्सेप्ट ऑफ गॉड इसलिए शुरुआत इस बॉडी से होगी एक बार रूमी से किसी ने सवाल किया आप में और खुदा में क्या फ़र्क है रूमी ने कहा कि मैं मन से खुदा का भक्त हूँ हर वक्त मेरे मन में खुदा है हर वक्त मेरे मन में अल्लाह हु चल रहा है रूह के हवाले से कहा जाए कि मैं कौन हूँ तो मैं वही हूँ जिसका मैं भक्त हूँ मैं उसी से हूँ वही हूँ मुझ में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है बॉडी के लेवल पर मैं एक ग़ुलाम हूँ मेरी बाड़ी कायनात के कवानीन के मुताबिक चल रही है कायनात के कवानीन के खिलाफ वर्जी करूँगा तो मुझे सजा मिलेगी यह था रूमी का जवाब बाड़ी के लेवल पर हम इंसान कायनात के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इसलिए भुगत रहे हैं ये जो पॉल्यूशन है किस वजह से है हम कायनात के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं इसलिए सजा भुगत रहे हैं सिर्फ हम ये सजा नहीं भुगत रहे आने वाली नस्लें भी ये सजा भुगतेंगी बॉडी के लेवल पर तंदुरुस्त रहना तो इंसान को क्या करना होगा यूनिवर्सल लाज को फॉलो करना होगा यूनिवर्सल लाज की ग़ुलामी करनी होगी इस ग़ुलामी की वजह से ही बॉडी के लेवल पर आप एग्जिस्ट कर सकते हो कायनात से जितना कनेक्टेड रहोगे सेहतमंद रहोगे क्रिएशन से जितना एक होगे खुश रहोगे नेचर से जितना इंसान दूर होगा नेचर को इंसान जितना वायलेट करेगा उतना ही बुरे तरीके से फंसेगा नेचुरल लाइफ जियोगे दिलकश रहोगे स्मार्ट रहोगे तंदुरुस्त रहोगे तोाना रहोगे इस नेचुरल लाइफ ना जीना जो है ना इस वजह से हमारी बॉडी की वाट लगी हुई है आप इस बॉडी के मालिक नहीं हो यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस बॉडी आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बॉडी के लेवल पर आप गुलाम हो कैनात से एक हो कनात से दूर हो गए नेचर से दूर हो गए तो बॉडी की वाट लग जाएगी अंदर से ये समझ पैदा कर लो कि आप इस नेचर के ग़ुलाम हो इस नेचर से ही बने हो ये जो आपकी बॉडी है ये सेवेंटी परसेंट पानी की बनी हुई है पानी से ही तुम बने हुए हो इस नेचर को वायलोट करोगे वायलेट करोगे तो फंसोगे नेचर के जो भी लॉज हैं उन्हें समझोगे और उन कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे नेचर का इनकार करोगे और बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश करोगे बॉडी पर मलकियत का ठप्पा लगाओगे तो डाउनफॉल का शिकार हो जाओगे अंदर से झुके रहो सर झुका कर रहो अपना सर खुदा के सामने झुका कर रखो यह है का लेवल दूसरा लेयर है माइंड और डिज़ायर्स की माइंड और ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखना है तो हमेशा सच से जुड़े रहिए खुदा से जुड़े रहिए जिंदगी जैसी है उसे वैसे ही देखते रहें सिर्फ खुदा का नाम नहीं लेना खुदा के साथ एक होना है नाम लेते रहो अंदर से खोखले रहो तो भी नाकाम हो नाम भी लो और अंदर से भी खुदा के साथ एक रहो अगर आप अल्लाह कह रहे हो अल्लाह ही के सच को देख रहे हो और इस सच की गुलामी कर रहे हो तो आप खुदा से एक हो रहे हो इंसान का मन दो जगहों पर जुड़ सकता है या सच से या जहान से मन सच से एक हो गया तो ज़िंदगी पुरसकून है कानात से एक हो गया तो ब्लेस है जब इंसान सच से एक नहीं होता ख्वाहिशात में फंस जाता है फिर वो बेसकून हो जाता है ऐसा इंसान कभी भी वननेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता हर जगह खुदा है ज़मीन के ज़र्रे जर्रे में खुदा है कायनात के ज़र्रे जर्रे में खुदा है भगवान है राम है रहीम है सूरज में खुदाई दिखाई दे रहा है जब हर लम्हे में हर जगह खुदा है तो भक्ति तो करनी होगी भगत तो बनना होगा फिर भगत बनकर जियो ऐसा इंसान जो खुदा से एक हो जाता है फिर वो इंसानों में तफरीक नहीं करता जब वो खुदा से एक हो गया उसको मालूम हो गया वो वहीं से है तो फिर वो इंसानों में तफरीक नहीं पैदा कर सकता हर इंसान के फिर वो इश्क में डूब जाता है हर इंसान में वो खुद को देखता है हर इंसान में उसे खुदा नज़र आता है ऐसा इंसान नहीं जानता कि नफ़रत क्या होती है तासब क्या होता है ऐसा इंसान फिर रिलीजन अक़ीदे के नाम पर नहीं लड़ता क्योंकि वो कायनात के ज़र ज़रे में खुदा को देख रहा होता है वो इश्क में डूब जाता है इश्क में बह जाता है रोमी इश्क में डूबा हुआ है मोहब्बत में खो चुका है कायनात में uh, सब कुछ अलग दिखता है हकीकत में अलग कुछ नहीं है आशिक और माशूक दो नहीं एक है आशिक और माशूक अलग दिखते हैं दोनों एक है खुदा से आप माइंड के लेवल पर एक हो गए हैं तो यहां तो इश्क है जिसमें रूमी डूबा हुआ है जिंदगी की तीसरी लेयर है रूह सोल आत्मा रूह का मतलब मैं रूह के लेवल पर कहीं कोई फर्क नहीं है इस लेवल पर सब एक है लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो खुदा इंसान भगवान राम रहीम सब एक है रूह के लेवल पर आका गुलाम में कोई फर्क नहीं मालिक और नौकर में कोई फर्क नहीं मर्द औरत में कोई फर्क नहीं पूरी क्रिएशन के जर्रे जरिया एक है किसी में कोई फ़र्क नहीं जिंदगी को दिलकश खूबसूरत पुरस्कून देखना चाहते हो तो तीनों लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए माइंड बॉडी रू ये तू ये तीनों लेवल की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है बहुत बड़ी इमारत पर चढ़ गए हो और वहाँ जाकर नाले नारे लगाते हो सारी कायनात मुझ में है मैं ही सब कुछ हूँ जंप लगाते हो ऐसा करोगे तो एट द लेवल ऑफ बॉडी मरोगे उस वक्त आप इस बड़ी इमारत के गुलाम हो समझना होगा आपको माइंड के लेवल पर उछलोगे और माइंड के साथ खेलोगे तो माइंड आपको पिछाड़ के रख देगा माइंड के साथ खेलोगे तो ये माइंड आपका आका बन जाएगा और जब आका बन जाए माइंड तो ज़िंदगी जहन्नम बना देता है नर्क बना देता है फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा कि कैसे माइंड से बाहर निकलें इंसान जब माइंड के खेल में बुरी तरह फंस जाता है तो ऐसे में एफर्ट करता है कि उससे निकलूं ये एफर्ट काम फिर नहीं आती ऐसी सिचुएशन में खुद ब खुद अंदर से अल्लाह की आवाज़ निकलती है ऑटोमेटिकली यही आवाज़ क्या है भक्ति है और फिर यही आवाज़ इंसान को माइंड के खौफनाक खेल से बचा लेती है खुदा क्या है जो जरे ज़रे में है भगवान क्या है जो जरे ज़रे में है राम क्या है जो जरे ज़रे में है रहीम क्या है जो जरे जरे में है डोल्टी हमेशा रहेगी इंसान की बॉडी कुछ और है जानवर की बॉडी और है एट द लेवल ऑफ माइंड डेल्टी है मेरे माइंड में कुछ और पड़ा है आपके माइंड में कुछ और पड़ा है ये डल्टी है हमेशा रहने वाली है हम दुनिया में अपने मैं से ऑपरेट करते हैं यह हकीकत है जब मैं होगा तो तू भी होगा जब मैं होगा तो तू भी होगा इस तरह मैं और तू का खेल चलता है ये डेल्टी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि इस दुनिया में इंसान को मैं से ही जिंदगी को ऑपरेट करना पड़ता है मैं और तू रहेगा मैं और तू को रहना चाहिए बॉडी है तो तू भी है मैं भी हूं बॉडी है तो बीमारियां भी हैं माइंड को समझना है माइंड की हकीकत क्या है माइंड की हकीकत यह है है ही नहीं जब माइंड की हकीकत है ही नहीं मतलब माइंड है ही नहीं तो उसे खत्म भी नहीं किया जा सकता माइंड क्या है थाट्स इंफॉर्मेशन नॉलेज माइंड को पुरसकून कैसे करना है खुदा से एक होने का एक्सपीरियंस करते रहना है खुदा की भक्ति करते रहना है इससे क्या होगा कि कुछ देर के लिए माइंड शांत हो जाएगा आप मंदिर जाओगे मस्जिद जाओगे गिरजे जाओगे सनाघाग जाओगे जहाँ भी जाओगे किसी दरबार पे जाओगे कहीं भी जाओगे आपको सुकून मिल जाएगा टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाएगा खुदा से मोहब्बत का भी क्योंकि हम ड्रामा करते हैं कहते तो हैं मुझे खुदा से मोहब्बत है भगवान से मोहब्बत है राम से मोहब्बत है मुझे रहीम से मोहब्बत है लेकिन जब भी अच्छा वक्त आता है पावर पोजीशन पैसा आ जाता है इंसान खुदा को भूल जाता है और ख़ुद खुदा बन जाता है और जब बुरा वक्त आता है तो खुदा याद आ जाता है खुदा से मोहब्बत क्या है अच्छा वक्त है या बुरा वक्त हमेशा खुदा से मोहब्बत बनी रहे इसमें कोई फ़र्क ना है ये अल्लाह हु है इंसान अगर हकीकत में वननेस को समझना चाहता है होलिस्टिक अप्रोच समझना चाहता है हमेशा ज़िंदगी की तीनों लेयर्स को देखना है एक लेयर है बॉडी एक लेयर है माइंड एक लेयर है सोल ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं इनमें से एक कोई भी एक बुरा नहीं है सब एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं बॉडी के लेवल पर हम बच नहीं सकते बीमारियां लगेगी बॉडी मरेगी माइंड के लेवल पर अभी हम, हम बच नहीं सकते ख्याल आएंगे डिज़ायर्स आएंगे बॉडी है तो बीमारियां होंगी माइंड है तो थार्ड्स होंगे थार्स हैं तो फिर एक्टिविटी हम करते रहेंगे माइंड में थार्स हैं तो ख्वाहिशात रहेंगी अगर माइंड है तो ख्वाहिशात है और ख्वाहिशात है तो बुलबुला भी है रू भी है जो सच है तून एक दूसरे पर खड़े हैं बाड़ी ना हो तो थार्स कहाँ हैं थार्स नहीं तो ख्वाहत कहाँ हैं बाड़ी और थार्स की वजह से हम खुदा को एक्सपीरियंस कर पाते हैं वननेस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं सब उसी के रूप हैं सब उसी की शक्लें हैं, सब उसी की अदाएँ हैं सब उसी की महफिलें हैं वही कौन वही खुदा वही कौन वही भगवान वही कौन वही राम वही रहीम वही कौन वही रूमी वही कौन वही आप वही मैं वही तू वही एक सब रंग उसी के हैं ये जो हम रंगबाज बने हुए हैं ये है... हमारा रंग थोड़ा है ये सब रंग उसी के हैं सब रंग उसी के हैं सब रंग एक में है सब कुछ एक में है सब कुछ है सब कुछ एक है सब अल्लाह की दिलकशियाँ हैं सब राम रहीम की अदाएं हैं इन सब अदाओं को कोई इंसान कुछ कह रहा है कुछ कह रहा है इसमें लड़ने की क्या ज़रूरत है ये पकड़ना छोड़ना बंद कीजिए उछलना कूदना बंद कीजिए किसी सच को पकड़ कर मत बैठिए पकड़ कर बैठेंगे तो खुदा से अलग रहेंगे राम से रहीम से भगवान से गॉड से अलग रहेंगे कैनाथ से अलग रहेंगे सच को पकड़ा नहीं जाता सच को छोड़ा नहीं जाता सच था है रहेगा इसे पकड़ना क्यों हुआ है इसे छोड़ना क्यों हुआ है सच को देखना है और प्रसकून रहना है आप रूह भी हो आप जिसम भी हो आप माइंड भी हो ये तीनों हो आप इन तीनों में इंटेंगल नहीं होना बस सच को समझ समझ जाना है सच को देख लेना है सच को पकड़ पकड़ना नहीं है सच को पकड़ोगे तो फंसोगे थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल